जय हिंद, मैं कुमार विवेक। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिवकाशी डिफेंस अकेडमी गोला में और केवी कंपटीशन क्लासेस। हम आज उत्तर प्रदेश पुलिस का जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है अभी, उसका एनालिसिस करवाने के लिए आए हैं। और आप लोग कृपया जो बच्चे देकर के आए हैं पेपर, अपना अपना GS और हिंदी का पोर्शन मिला लें कि वो क्या ठीक करके आए हैं, क्या गलत करके आए हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया होगा, बहुत अच्छा आप लोगों ने समय दिया वहाँ पर। और मैं ये भी कहूँगा कि एग्ज़ाम को लेकर के कुछ लोगों का ये कहना है कि बहुत ज़्यादा टफ़ है, बहुत ज़्यादा इजी है, कुछ लोगों का कहना है मीडियम है। लेकिन मैंने जब इसको क्वेश्चन पेपर को देखा तो मुझे ये एहसास हुआ है कि कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो कल्पना से परे हैं। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा, पहला क्वेश्चन पूछा गया है, नालिन और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं। तो आप, एक ऑप्शन दिया गया था उपवन, एक ऑप्शन दिया गया था अंबर, एक कमल और एक उत्कर्ष। तो इसमें कमल आपका सही हो जाएगा, क्योंकि नालिन और राजीव ये दोनों ही कमल के पर्यायवाची हैं। उसके बाद में ध्यान रखिएगा, पूछा गया था पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा इस वाक्यांश के लिए एक शब्द, मतलब उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा क्या कहलाती है, तो ईशान कहलाती है, आपने पढ़ा होगा। ठीक, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, किस विकल्प में शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थ भेद है। तो पहला ऑप्शन था प्राकृत, प्रकृत गलत है, वर्ण वर्ण गलत है, और विष और विष ये भी गलत है। आपका डी ऑप्शन जो था शशधर और शशिधर, मतलब चांद शिव, ये वाला आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है, तो यहाँ पर आपको बोला गया है, एक ऑप्शन में बोला है वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, दूसरा ऑप्शन था दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है। तो यही आपका सही हो जाएगा कि दीन और दुर्बलों को प्यार करना मानवता है, दीन दुर्बल मतलब दुखी गरीब, इस तरीके से। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द मतलब पराधीनता और अजवायन मुद्रिका, ये तीनों ऑप्शन आपके गलत होंगे, ऑप्शन सी आपका सही है, बिहार, बिहार आपका पुल्लिंग शब्द है। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है। काफ़ी बच्चों ने प्राण भी लगा दिया होगा, जबकि यहाँ पे सोना होता है जो कि द्रव्यवाचक है, ध्यान रखिएगा। हस्ताक्षर और दर्शन दोनों ही गलत हो जाएंगे। हे ईश्वर दया करो, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है, बहुत ईजी क्वेश्चन आया है, हे ईश्वर ये आपका संबोधन कारक में आएगा। ठीक, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है, तो जलधि शांति ताप, ये तीनों आपके तत्सम में चले जाएंगे, आपका काज जो होता है। ठीक, कौन उस काज मोह गरीब को जो तुमसे नहीं जाते है टारो, तो काज आपका हिंदी व्याकरण का शब्द हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है, कुम्हार गधा ये भी तद्भव में आएगा। ठीक है, पलंग और पीला, डंडा नाक, ये सब का डी ऑप्शन है, नव्य और स्वर्णकार, ये दोनों ही आपके तत्सम शब्द हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पूछा गया है, रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है। तो रक्त रंजित शब्द में आपके ऑप्शन दिया गया द्वंद्व समास नहीं होगा, रक्त से रंजित तो आपका तत्पुरुष समास में सीधा सीधा जा रहा है। ठीक, अव्ययभाव नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी इसमें अनुव्यापति हरवर्त है आवत उप या फिर तुम्हारा लिंग वचन का वो क्या नाम लिंग परिवर्तन ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद में क्यों कब कौन से सर्वनाम के उदाहरण हैं, तो अनिश्चयवाचक में तो हो ही नहीं सकता, निजवाचक हो ही नहीं सकता, निश्चयवाचक भी नहीं हो सकता, प्रश्नवाचक आपका जरूर हो सकता है, क्यों कब कौन कहाँ, ये सारे आपके प्रश्नवाचक में आएंगे। मदिरालय शब्द के लिए संधि विच्छेद का चयन कीजिए, तो मदिरालय में आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें जो सी ऑप्शन आपका था मदिरा प्लस आलय, ये वाला इसमें दिया हुआ था मदिरा प्लस आलय, ये वाला आपका राइट आंसर रहेगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है, तो निर्देशन नहीं होगा, कोष्ठक नहीं होगा, योजक नहीं होगा, जैसे किसी चीज को हम लिखें, किसी वाक्य को हमने लिखा इस तरीके से, मान के चलो हमने लिखा आम, और हमें इसको प्रदर्शित करना, उसके लिए हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, लाइक दिस, इस तरीके से। सतसई शब्द में किस प्रकार के संख्या बोधक विशेषण का प्रयोग किया गया है, तो समुच्चय बोधक, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, समुच्चय बोधक का प्रयोग किया गया है, समुच्चय बोधक विशेषण का प्रयोग किया गया है, ऑप्शन डी हो जाएगा, समुच्चय बोधक। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है, राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई,
इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो इसमें हो जाएगी प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, इसमें हो जाएगी प्रेरणार्थक क्रिया, ध्यान रखिएगा। ठीक, संयुक्त क्रिया नहीं होगी, संयुक्त क्रिया तो स्वयं के लिए हो जाएगा, नाम धातु क्रिया वो भी नहीं हो सकती, पूर्वकालिक क्रिया मतलब पहले लिखवाई जा चुकी है वो भी नहीं है, इसलिए प्रेरणार्थक क्रिया आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? हट, ची या चिल्ला, तो ये तीनों ही गलत हो जाएंगे। चिल्लाहट में आहट प्रत्यय आएगा, आहट, चिल्ला हट, ठीक, आहट, ध्यान रखिएगा, चिल्लाहट। अगला क्वेश्चन है, अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अभिभाषण शब्द में आपका दिया गया है अब, इस तरीके से, जो कि गलत है। फिर आ दिया गया है, ये भी गलत हो जाएगा। अभी दिया गया, ये तो हो ही नहीं सकता है, इसलिए आपका इसमें अभी सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक, आपका अभी उपसर्ग इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा क्या पूछा गया है, हिंदी करवा देते हैं, हिंदी के बाद में आपको अभी जीएस भी करवा देंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तिल का ताड़ बनाना, तिल का ताड़ बनाना, ठीक, तिल का ताड़ बनाना, ये किसी का सही हुआ हो चाहे ना हो, लेकिन लड़कियों का तो पूरा सही हुआ होगा। तिल का ताड़, साधारण बात को बड़ा चढ़ाकर कहना, ठीक, साधारण सी बात होगी, साधारण सी बात को बढ़ा चढ़ाकर, ये काम इसका है, जान सकते हैं। ठीक, परोक्ष का विलोम शब्द, परोक्ष देखिए, इसमें परोक्ष का विलोम शब्द बोला गया है, परोक्ष में तुम्हारा प्रत्यक्ष और अपरोक्ष दोनों दिए गए हैं, ठीक, लेकिन प्रधानता यहाँ पर परोक्ष की, वो प्रत्यक्ष की रहेगी, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें द्रष्टव्य दिया गया है, स्थूल दिया गया है, इसका कोई महत्व ही नहीं यहाँ पे है, लेकिन परोक्ष का अपरोक्ष भी होता है, प्रत्यक्ष भी होता है, तो इसलिए आप अपरोक्ष को ना लगा करके प्रत्यक्ष पे टिक करेंगे, तो प्रत्यक्ष आपका सही ऑप्शन माना जाएगा इसमें। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? समझ सकते हो, अत्यधिक कंजूस, अत्यधिक कंजूस, ठीक, ये भी किसमें होता है? औरतों में लगभग होता है कि उनके पास पैसा आए हो लेकिन ख़त्म ना हो। अगला, क्रोध किस रस का स्थाई भाव है? क्रोध, ये तो आपको पढ़ाया गया है, पढ़ाया, लगभग सारा ही पढ़ाया गया है, सारे पढ़ाया हुआ ही आया हिंदी में है, अभी जीएस में देखते हैं क्या क्या पढ़ाया हुआ आया है। क्रोध किस रस का स्थाई भाव है? तो रौद्र रस का है, आपको पढ़ाया गया, अभी 5-6 दिन पहले ही क्लास चली थी रिविज़न की। सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएँ होती हैं? परसों नरसों की क्लास रिविज़न की चली थी, उसमें आपका आया था 13 मात्राएँ। निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? तो निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? इसमें आपका उपमा हो जाएगा, उपमा समान धर्म, ये भी मैंने अभी बीती क्लास 4 दिन पहले जो चली थी उसमें बताया था। निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? तो हिस्सा, भाग, बांटना सब हैं, लेकिन जो आपका ब्याज हो जाएगा, ब्याज ये नहीं होगा, ठीक है, ब्याज नहीं होगा। उसके बाद में आपका वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य का काल पहचानिए। तो संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध में तो है ही नहीं, वह बाजार जा चुका है, संदिग्ध कहाँ से है? ठीक, उसके बाद में पूर्ण भूतकाल, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, सामान्य वर्तमान काल भी नहीं हो सकता, इसलिए आपका आसन्न भूतकाल पूर्ण वर्तमान काल होगा, आसन्न और पूर्ण, ठीक, आसन्न पूर्ण, आसन्न भूतकाल और पूर्ण वर्तमान काल। राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो इसमें राम अभी सोएगा, राम अभी सोएगा, इसमें आपका भाववाच्य कर्मवाच्य नहीं होगा, इसमें कर्तवाच्य होगा आपका, ठीक, इसमें कर्तवाच्य हो गया। उसके बाद में आपने अपठित गद्यांश को पढ़ा होगा, अपठित गद्यांश में हम आपको बता दें, इसमें जब आपसे पूछा गया था, अभी मैंने इसको देखा है, तो उस हिसाब से काफ़ी बच्चों ने इधर से उधर क्वेश्चन किए हैं, लगाए होंगे हमारी समझ से, क्योंकि लगभग ऑप्शन सेम लग रहे थे। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है, उपयुक्त शीर्षक दीजिए मैं भारतीय लेखकों की दुर्दशा पे, उपयुक्त जो शीर्षक है वो भारतीय लेखकों की दुर्दशा में है, भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि ऑप्शन ए, उनकी पुस्तकों को यहाँ के नागरिक गर्भयोग्य नहीं मानते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका जो हो जाएगा वो है, भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना है? अनपढ़, उच्च, नगरवासी या सुशिक्षित? सुशिक्षित की, ठीक, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा इसमें। उसके बाद में इसमें भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय तथा चीन, बर्मा, जापान के लेखकों में
से भी हीन हैं, क्योंकि उनके साहित्य को भारत के सुनिश्चित लोग नहीं पढ़ते हैं। उनके साहित्य को भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय तथा चीन, बर्मा, जापान के लेखकों से भी हीन हैं, क्योंकि उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते। वे अंग्रेजी के मोह से ग्रस्त हैं, उनसे स्वभाषा के प्रति गौरव नहीं है, उनके साहित्य को भारत में नहीं पढ़ा जाता। तो उनके साहित्य को भारत में नहीं पढ़ा जाता, इसमें आपका ऑप्शन डी हो सकता है, वे अंग्रेजी के मोह से ग्रस्त हैं। ठीक, भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय तथा, अगला देखिएगा, भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है? तो भारत का सुशिक्षित समाज देसी हिंदी भारतीय, तो ये अंग्रेजी इस समय बड़ी ट्रेंडिंग पे चल रही है, अंग्रेजी मात्र भाषा है, आपके बुद्धिमान होने का प्रमाण नहीं, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कोई भी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध नहीं रखती है? अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी, बांगरू। तो ये तो भाषा पे पढ़ाया गया था आपको कि बांगरू भाषा है जो संबंध नहीं रखती है, संबंध रखती है। निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? तो निषेधवाचक, नहीं के लिए अभी बताया गया था। फिर पूछ लिया है इन्होंने समुद्र, ठीक, इन्होंने पूछा है समुद्र शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? तो जो वैराग दिया गया है पूर्णता असत्य है, भव दिया गया है ये भी असत्य है, भोर दिया गया है ये भी असत्य है, आपका सही हो जाएगा रत्नाकर। रत्नाकर जो है ये समुद्र का सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में आपसे क्वेश्चन पूछा गया, मेध, मेघ, सुष्टसम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थ भेद निम्न में से कौन सा है? तो यज्ञ जल नहीं होगा, बादल जीवन नहीं होगा, यज्ञ बादल नहीं होगा, बादल यज्ञ होगा, क्योंकि मेघ का मतलब बादल होता है, मेघ का मतलब यज्ञ होता है, ध्यान रखिएगा। स्त्री जो अभिनय करती हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए, अभिनेत्री, ठीक, जो अभिनय करती है वो अभिनेत्री, जो नर्तक करती है वो नर्तकी। मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है? तो ये प्रेमचंद की रचनाओं का संकलन है मानसरोवर, ध्यान रखिएगा, ये पूछा गया है, इससे पहले अन्य अन्य पूछे जाते थे। मीराबाई किसकी शिष्या थी? तो ये तो हमने आपको पढ़ाया था संत रैदास, जब भक्ति काल पढ़ाया था हमने, ध्यान कीजिएगा। अब आते हैं थोड़ा जीएस पे, जीएस में देख लीजिएगा, पहला क्वेश्चन है हिंदी का आपको करवा दिया है, जीएस का देख लीजिएगा, जिसने नहीं देखा उसको दोबारा इसको देख ले और देख ले वो क्या क्या गलत करके आया है, ठीक है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है, ध्यान रखिएगा। कुछ लोगों ने 5 टिक किया है और कुछ लोगों ने 6 भी टिक किया है, ठीक, करके आए हैं, जो कि पूर्णता गलत है, आपका सही हो जाएगा 7, ठीक। ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है? तो बताया गया है ऑस्ट्रेलिया पे पढ़ाया गया है। निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक। उसके बाद में प्राग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी? तो प्राग प्रशस्ति जो है वो हरिसेन के द्वारा की गई थी, ना कि बाणभट्ट और क्या नाम बौधायन के, कुछ लोगों ने बौधायन भी किया है, कुछ लोगों ने बाणभट्ट भी किया, जो कि गलत है, हरिसेन सही है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है? तो वो चिल्का झील है, ध्यान रखिएगा, ठीक, चिल्का झील। बैलाडीला की पहाड़ियाँ बैल के कुबड़ की तरह दिखती हैं, पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में, ध्यान रखिएगा, कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है, ठीक। उसके बाद निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? क्वेश्चन को सिर्फ घुमाया गया है, 8 डिग्री चैनल, ठीक। सोनपुर पशु मेला, तो ये तो ऐसे आप लगा देंगे, बिहार में लगता है पशु मेला, ठीक। सिक्किम, असम, ओडिशा से इसका कोई संबंध है नहीं। अंगूर की खेती, ये मैंने आज से 4 से 5 महीने पहले जब शाम वाले बैच में मैंने बायोलॉजी स्टार्ट की थी, तो शायद मैंने हॉर्टिकल्चर, एपिकल्चर वगैरह सब कुछ लिखा दिया था, उसमें ये भी लिखवाया था, जिसमें अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो विटीकल्चर के नाम से जाना जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस राज्य के हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी, जिसे कुल्ह कहा जाता है? तो ये हिमाचल प्रदेश, ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश। भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? तो
भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद आपका वरिष्ठ तकनीकी निदेशक नहीं हो सकता, उपमहारजिस्ट्रार नहीं हो सकता, जनगणना अधिकारी नहीं, महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत, ठीक, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। कुमार संभवन किसकी रचना है? कालिदास की रचना है, महाकवि कालिदास की है, आपको ये पता होना चाहिए। और आप ध्यान रखिएगा, विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिवस मनाया जाता है? तो 23 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, कई बार आपको पढ़ाया गया है। किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से कहा जाता है? तो शहरीकरण कहा जाता है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। आप फटाफट मिलाते चलिएगा, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में है, आपका ए भी क्वेश्चन कल्पना से परे है। उसके बाद काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे आए हैं जो आपकी कल्पना से भी परे होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश राज्य का वृक्ष है? अशोक है, आपको पता होना चाहिए। सुराहाताल कहाँ है? बलिया में है, आपको पता होना चाहिए। तो नॉर्मल चीज़ें हैं, कुछ लोगों ने इसको भी बड़ा हाई फाई ले लिया होगा, अरे ये क्या पूछ लिया गया है, तुमने पढ़ा ही नहीं था। क्यों नहीं पढ़ा था भाई? उसके निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो लिंक्डइन है, आप रहते उत्तर प्रदेश में, पूछा गया है लिंक्डइन का, आगे से तैयार रहिएगा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा सकता है, ठीक। उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो कालीन बुनाई के लिए प्रसिद्ध है, कालीन बुनाई के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो सिकंदरा में है, ठीक, सिकंदरा में है। उसके बाद में पूछा गया, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? कजरी नहीं किया जाता है, ठीक, चरकुला भी नहीं, रसिया भी नहीं, इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन, हुरका बैल, ठीक, हुरका बॉल। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने डॉक्टर एनी बेसेंट के सहयोग से की थी, और ये आपका पढ़ा हुआ है, शायद आप गलत कराए होंगे, और कुछ लोगों ने किया होगा मैडम भीकाजी कामा या सरदार वल्लभ भाई पटेल। मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है? वो टेढ़ी टांग वाले तीन जगह से, कन्हैया जी, हमारे ठाकुर जी, ठीक, भगवान श्री कृष्ण, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन फिर आपसे पूछा गया है, निवेश मित्र मोबाइल, मैंने बच्चों से बोला था कि 22 और 23 की इकोनॉमी और 23-24 का बजट देख लीजिएगा, इकोनॉमी से क्वेश्चन जरूर आएंगे। क्वेश्चन आए हैं, एक नहीं कई क्वेश्चन आए हैं। निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित से किस राज्य की एक पहल है? तो उत्तर प्रदेश की पहल है, इकोनॉमी से है। विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो नोटबंदी के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या पट्टे वचनबद्ध या अनुदान के तहत धरित भूमिखंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो धरती, ठीक, अगला हो जाएगा धरती है या बाघ भूमि, इन दोनों में डाउट है, आप देख लीजिएगा, इसको बता सकते हैं बाद में क्लास में। UPSSF का पूरा नाम बताइए, तो उत्तर प्रदेश सोशल सिक्योरिटी फोर्स हो जाएगा, उत्तर प्रदेश सोशल सिक्योरिटी फोर्स इसका हो जाएगा। टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो बांग्लादेश की है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य GST के लिए सही नहीं है? तो वस्तुओं और सेवाओं पर कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं, ये सी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? तो सोर्सिंग लोसिंग बिल्कुल नहीं हो सकता, चीटिंग तो बिल्कुल नहीं होगा, फिशिंग होगा, ठीक, फिशिंग आपका राइट आंसर है, सी ऑप्शन, ध्यान रखिएगा इसका। जो लोग करके आए हैं ए और बी, वो गलत हो जाएगा उनका। हाँ, हालांकि ऑप्शन में तुम्हारा इधर उधर किया गया, उसको ए में कर दिया गया, बी में फिशिंग को, तो वो सही हो जाएगा। हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया NCDFI के मुख्यालय की आधारशिला रखी है? तो ये आपका आनंद हो जाएगा, आनंद गुजरात, ठीक, नहीं आनंद हरियाणा है, आनंद हरियाणा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पाद कंपनियों को आगे बढ़ाने और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है? तो राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, क्योंकि अर्जुन पुरस्कार नहीं होगा, द्रोणाचार्य हो ही नहीं सकता, ध्यानचंद भी नहीं होगा, तो आप एलिमिनेट करके इसको लगा सकते थे, ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? तो कांडला बंदरगाह, जिसको दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। आप याद कीजिए कि पहले बैच में मैंने आपको ज्योग्राफी पढ़ाते समय इसको बताया था बंदरगाह के बारे में। हाल ही में भारतीय नौसेना क्राफ्ट INS काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा है? तो कोलंबो, श्रीलंका में पहुंचा है, ये भी आपका थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है।
निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान, आपका पढ़ा हुआ क्वेश्चन आया है। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किया? तो नरेंद्र मोदी जी ने किया, हमारे मोदी जी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौतों को मंजूरी दी है? तो इटली। ध्यान रखिएगा, ये आपका एनालिसिस रहा हिंदी का और जीएस का, और रीजनिंग का और मैथ का एनालिसिस आपका कुछ देर में हो जाएगा। जिन बच्चों ने कुछ गलत किए हैं वो अपना अपना मिला लें, हालांकि अब सही तो नहीं हो सकता है, लेकिन वो आगे के लिए तैयार रहे। और जैसा कि क्वेश्चन पेपर आया है, इसको देख करके लगता है कि बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है और इजी भी नहीं है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा इजी कर देंगे तो मेरिट हाई चली जाएगी, और अगर बहुत हाई कर देंगे तो मेरिट डाउन जाएगी। लेकिन बच्चे कर ना पाए ऐसे एग्ज़ाम पेपर का भी क्या फ़ायदा है कि नहीं है। हालांकि आप लोगों से हमारा यही निवेदन है कि जो लोग गलत करके आए हैं वो लोग अपना अपना ध्यान दें, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, आगे का ध्यान दें, और ये ना सोचे कि हमारा यूपीपी का पेपर हो गया है तो बस यहीं ख़त्म, इसके बाद कुछ नहीं, हमको निर्वाण की प्राप्ति हो चुकी है, ऐसा कुछ नहीं है। ये आप सिर्फ जो पहली बार गए थे वो इतना मान लें कि वो सीखने के तौर पे गए थे, अभ्यास लेने, आप गेम के रूल्स वगैरह सीखने गए थे कि क्या क्या रूल्स हैं। अब आपको गेम के बारे में प्रैक्टिस करनी है, उस खेल को खेलने के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है, मैदान पर उतरना है। ठीक, अगली बार जब आप पेपर देने जाइएगा, आने वाले अगस्त में एसएससी जीडी की वैकेंसियाँ हैं, आप लोगों से मेरा निवेदन है कि पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देते रहें। आज आप पेपर दे के आए हैं, कल जिसने छुट्टी कर दी, परसों जिसने छुट्टी की, और जिसको लगा कि अब हम दो चार दिन रेस्ट ले लें, सिलेक्शन कभी नहीं हो सकता। जय हिंद, जय भारत।